दोस्तों फिल्मों का भी एक अलग अंदाज है, क्लैश होना किसके साथ तय होता है और हो किसके साथ होता है। सो फाइनली दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे रियल मेगा स्टार सुपरस्टार यानी कि स्पीडी कुमार यानी कि अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी के बारे में और उसके साथ जॉन अब्राहम की फिल्म सत्यमेव जयते 2 के बारे में। दोस्तों आपको तो पता होगा सत्यमेव जयते 2 जो कि इस ईद के ऊपर आने वाली थी, जो कि सलमान खान की राधे और मोस्ट वांटेड भाई के साथ टकराव होने वाला था, लेकिन दोस्तों कोरोना काल ने सब कुछ तहस नहस कर दिया और ये इम्पॉसिबल हो चुका। और दोस्तों 30 अप्रैल को ही सूर्यवंशी आने वाली थी लेकिन ये भी पोस्टपोन हो चुकी, सिर्फ किसके कारण? कोरोना वायरस के कारण। और दोस्तों ट्रेड एक्सपर्ट की माने तो सूर्यवंशी की रिलीज डेट अब बताई जा रही है 15 अगस्त यानी कि फिर 13 अगस्त, इन दो तारीखों में से एक रिलीज डेट चुनी गई है, जब भी माहौल ठीक हो जाएगा तो ये सिनेमा हॉल में आएगी। और दोस्तों दूसरी तरफ अटैक फिल्म थी जो कि जॉन अब्राहम की फिल्म थी, वो 15 अगस्त पे ही आने वाली थी, लेकिन जॉन अब्राहम की फिल्म सत्यमेव जयते 2 रिलीज ना उसकी तो फाइनली दोस्तों सब कुछ ठीक हो जाता है तो जॉन अब्राहम की फिल्म 15 अगस्त पे तो आके ही रहेगी, चाहे वो फिर आए अटैक फिल्म या फिर आए सत्यमेव जयते 2। 99% तो लगता है दोस्तों अटैक पोस्टपोन हो जाएगी और उसकी जगह आएगी सत्यमेव जयते 2। और दोस्तों उसी की इनका भयंकर क्लैश देखने को मिलेगा सूर्यवंशी के साथ सत्यमेव जयते 2 का, जो कि जॉन अब्राहम की फिल्म है। और सूर्यवंशी में हमें बहुत बड़े बड़े स्टार यानी कि देखने को मिलेंगे, अक्षय कुमार की मैन लीड रोल में नजर आएंगे उसमें, और उसके साथ अजय देवगन जो कि क्लाइमैक्स सीन में भरपूर फाड़ देंगे सब कुछ, और उसके साथ रणवीर सिंह भी और कटरीना कैफ। सो फाइन दोस्तों इनका क्लैश होता है इस कोरोना काल में तो दोस्तों नुकसान तो फिल्मों का होगा ही, क्लैश यानी कि ऑडियंस डरी सी जाएगी और इनकी स्क्रीन भी काउंट होगी तो नुकसान तो जायज सी बात है। दोस्तों आपको कौन सी फिल्म का इंतजार आए दोस्तों, ये न्यूज आपको अच्छी लगी और चलिए चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन घंटी पर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको पास पहुंचती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं।